तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक कॉर्डलेस शोल्डरिंग मशीन। शोल्डरिंग मशीन से क्या होता है, आप में से कई सारे दोस्तों को पता है कि हमें शोल्डरिंग मशीन पीसीबी में कोई कंपोनेंट जोड़ने या लगाने के लिए हटाने के लिए काम में आती है, या वायर को आपस में जोड़ने के लिए शोल्डरिंग करने के लिए काम में आती है। तो ये हमारे उन सभी टेक्नीशियन भाइयों के लिए यूजफुल है जो एसी फ्रिज का या पीसीबी बोर्ड का काम करते हैं। मुझे जो भी टूल यूजफुल लगता है और जो भी टूल नया आता है मैं उसे अमेजोन से खरीद लेता हूँ, क्योंकि मैं टूल का शौकीन हूँ, और वीडियो बना के आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिल सके और आपको भी पता चले कि इस तरह के नए नए टूल मार्केट में आते हैं जो आपके काम को और भी आसान बनाते हैं। ये मेरे लिए काफी यूजफुल है, ये मेरे उन जगहों पे बहुत यूजफुल है जहां पे मुझे बिजली नहीं मिलती और जहां पे मुझे शोल्डरिंग करने की जरूरत पड़ती तो वहां तक शोल्डरिंग मशीन की वायर नहीं पहुंच पाती। तो चलिए फटाफट करते हैं अनबॉक्सिंग और फिर मैं दिखाता हूं इसका डेमो कि आप किस तरह से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या फीचर्स है इसके अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिना स्किप करें अंत तक देखिए। तो ये है हमारा बॉक्स। जब आप इसे अमेजोन से या इनके ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदेंगे तो आपको कुछ इस तरह से डब्बे में पैक होकर आएगा। इसके ऊपर भी एक कवर होता है, वो मैंने पहले ही हटा दिया। यहां देखिए एमआरपी लगी हुई है 3,500 रुपए, लेकिन ये इससे कम प्राइस में है। तो ये देखिए ये मैंने पूरा खोल लिया। इसमें आपको मिलता है थैंक यू का कार्ड और इसके ऊपर आपकी जो वारंटी है इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके क्लेम करनी होती है या व्हाट्सएप पे मैसेज करने से भी आप यहाँ क्लेम करवा सकते हैं। सबसे पहले हमें मिलती है ये कॉर्डलेस आयरन शोल्डरिंग मशीन, इसे हम साइड में रखते हैं। साथ में मिलता है इसका स्टैंड जिसपे आप इसे इस तरह से रख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और इस कवर को हटाने के बाद में इसमें मिलती है हमें ये शोल्डरिंग वायर, इसे रखते हैं साइड में। और ये है टाइप सी केबल जो इसके साथ में अडेप्टर आता है, चार्जिंग अडेप्टर, इसे इसमें लगा के आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और ये 5 वोल्ट DC का है और इसके साथ में मिलती है ये हीटिंग बीट, ये बीट को हमें अभी लगाना है। और ये है पैड, ये तो छोटा सा पैड है, इसे हमें यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा सा चिपकाना होता है जिससे ये साफ कर सके इसे बीट को। और इसके नीचे मिल जाती है हमें मैनुअल बुक, इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है वगैरह वगैरह, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में। तो ये देखिए ये हीटिंग वाली बीट जो है वो यहाँ पे इस तरह से लग जाती है, इस तरह से घुमाएंगे तो ये आराम से इसमें लग गई। और उसके बाद में हमें यहाँ से इसे बटन दबाना है, ये ऑन ऑफ का यहाँ पे बटन दे रखा है, ये बटन दबाने से ये चालू हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसे चार्ज कर लेता हूं और उसके बाद मैं आपको इसे यूज करके दिखाता हूं। A few moments later. तो देखिए मैंने इसे चार्ज कर लिया है। इसे आपको चालू करने के लिए ये वाला जो पावर बटन है इसे आपको 3 सेकंड तक इस तरह से दबा के रखना है। जैसे ही यहाँ पे ये इंडिकेटर चालू हो जाएगा इसका मतलब ये आपकी जो आयरन है ये चालू हो गई, लेकिन अभी भी ये गर्म नहीं लगेगी आपको। उसके लिए आपको यहाँ पे एक टच सेंसर दे रखा है, यहाँ पे आपको इस तरह से जब काम करेंगे तो ये उंगली रखनी है, यहाँ पे आपको एक LED जलती हुई दिखेगी, इसका मतलब है कि ये चालू हो गया और अब ये गर्म होने लग गया। ये देखिए ये है मेरे पास में शोल्डरिंग वायर, आप देख रहे हो यहाँ पे ये LED लाइट हमारे लिए बहुत काम की है। अगर आप किसी अंधेरी जगह में भी काम कर रहे हैं, किसी वायर को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये उस जगह पे काफी यूजफुल है। ये देखिए अब धुआं निकलने लग गया, अब ये गर्म हो चुकी है और ये देखिए ये शोल्डरिंग ये हमारी पिघलने लगी है। तो ये काफी पावरफुल है। इसमें जो हीटिंग रॉड है आगे की, ये नीडल आप आराम से इसे चेंज कर सकते हो, ये भी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाती है। यदि ये खराब हो जाती तो आप इसे चेंज कर सकते। अब देखिए वापस इसे चालू करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे उंगली रखनी है और ये चालू हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे ये शोल्डरिंग यहाँ पे करके दिखाता हूँ वायर के ऊपर। और ये हमारी जो नॉर्मल शोल्डरिंग मशीन आती है उससे जल्दी गर्म होती है और उससे ज्यादा इसका टेम्परेचर है, और शोल्डरिंग करने का जो टाइम है वो भी बड़ा फास्ट है। ये देखिए ये गर्म हो गई और ये देखिए कितने आराम से इसमें शोल्डरिंग हो गई पूरी वायर के। तो शोल्डरिंग करने का जो टाइम है इसका ये भी बहुत बढ़िया है। हमारी जो 60 या 70 वॉट की जो शोल्डरिंग मशीन आती है सेम उसी तरह से ये काम करती है। और ये जब हीटिंग होता है तो यहाँ पे ग्रीन लाइट चालू हो जाती है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसे चालू करने के लिए आपको 3 सेकंड तक यहाँ पे प्रेस करके रखना पड़ता है पावर बटन को, और टच सेंसर पे आपको उंगली रखनी है। जब ये पूरी तरह से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे एक ग्रीन लाइट चालू हो जाएगी। देखिए चालू हो गई, अब ये पूरी तरह से गर्म हो गया है। ये देखिए तो ये ग्रीन लाइट का मतलब यही होता है कि आपकी शोल्डरिंग अब रेडी हो चुकी है। ये देखिए इसमें से जो है धुआं भी निकल रहा है और ये अच्छे से काम भी कर रहा है। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही आप टच सेंसर से अपनी उंगली हटा देंगे तो ये ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगा। और यदि आपका टच सेंसर कभी कभी काम नहीं करता है तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो आपको यहाँ से पावर ऑफ कर लेना है, ये लाइट बंद हो जाएगी। यहाँ पे आपको इसको 6 टाइम प्रेस करना है, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे एक लाइट चालू होगी और आपका जो टच सेंसर है वो रीसेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इसे वापस 1, 2, 3 टाइम प्रेस करेंगे इस तरह से, और फिर इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे 3 सेकंड तक, ये चालू हो जाएगा और उसके बाद आपका ये टच सेंसर वापस काम करने लगेगा। ये देखिए तो इस तरह से ये यूज कर सकते हैं आप। और यदि आपको इसका टच सेंसर डीएक्टिवेट करना है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले मैं इसे बंद करता हूं और उसके बाद में आपको इसे 8 बार प्रेस करना है कंटिन्यू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये इसका जो टच सेंसर है वो डीएक्टिवेट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे लाइट रेड और ग्रीन दोनों चालू होकर के बंद हो गई। इसके बाद आप इसे यहाँ पे प्रेस करेंगे 3 सेकंड तक तो ये चालू हो जाएगा, लेकिन आपका ये टच सेंसर यहाँ पे काम नहीं करेगा और ये गर्म भी नहीं होगा। तो ये इस तरह से काम करता है। तो ये इसमें 2-3 फीचर्स है वो आपको समझ लेने। वैसे तो ये वाला फीचर्स हमारे कोई काम का नहीं है 8 बार प्रेस करके इसे इस तरह से देखने के लिए। हाँ, आपको इंडिकेटर वगैरह देखना है, यहाँ पे चेक करना है कि आपकी बैटरी कितनी है। तो अभी हमारी बैटरी जो है फुल है, यहाँ पे तीनों के तीनों लाइटें आ रही है। पहली लाइट जो है रेड कलर की, ये आपके पावर को दर्शाती है कि ये चालू हो गया, और बाकी की 2 ग्रीन लाइट है, इसका मतलब आपके इसके अंदर बैटरी फुल। और इसे बंद करने के लिए बस 1 बार प्रेस करना है, चालू करने के लिए
आपको सिर्फ 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है इस तरह से और ये चालू हो जाएगा। और इसे एक बार चार्ज करने के बाद में आप इसे 1 घंटे तक कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो हम कंटिन्यू 1 घंटे तक इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि जब आप इसे टच करेंगे तभी ये गर्म होगा और तभी आप इसे काम में लेंगे। और जैसे आप इसे टच हटा देंगे और इसे इस स्टैंड के अंदर आप इसे इस तरह से रख देंगे तो आप इसे काम में नहीं ले पाएंगे। ये स्टैंड स्पेशली इसके लिए दे रखा है। और ये जो पैड दिया है इसे आप पानी में भिगो के यहाँ पे रख देंगे तो आप इसकी जो नीडल है ये वाली इसे साफ कर पाएंगे बार बार, ये उसके लिए दे रखा। और ये जो स्टैंड है ये काफी हैवी है, इसका वेट काफी है, ये गिरेगी नहीं। आप इसमें इसे इस तरह से हैंग करके रख देंगे तो ये कहीं पे भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने कि कितना कमाल का है ये। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ पे क्लिक करके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट या अमेजोन से दोनों की लिंक दे रखी है। और मेरे लिए काफी यूजफुल था इसलिए मैंने इसे खरीदा और ये मेरे अब टूल बैग में हमेशा रहेगा। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इसे आराम से कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और यदि इसकी चार्जिंग खत्म भी हो जाती है तो मैं ये चार्जर इसके साथ में लेके जाऊंगा ताकि कहीं पे भी इसे चार्ज कर सकूं। तो कैसा लगा ये टूल आपको नीचे कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है इसके बारे में। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नया तो नीचे लाल बटन दिख रहा होगा उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय।